भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार बताया कि कर्ण सबसे बड़े महादानी हैं, आइए जानते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राज्य करते थे तो वे बहुत सारे दान पुण्य भी किया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा था। भीम व अर्जुन ने कृष्ण के सामने युधिष्ठिर की प्रशंसा की कि भ्राता युधिष्ठिर कितने बड़े दानी हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में टोक कर कहा, हमने कर्ण से बड़ा दानवीर नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब श्री कृष्ण बोले कि समय आने पर मैं ये सिद्ध कर दूंगा। कुछ दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि मैं बिना हवन किए कुछ भी खाता पीता नहीं। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो कृपया करके मुझे दे दें, अन्यथा हवन तो पूरा ही नहीं होगा और मैं भूखा प्यासा मर जाऊँगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार से चंदन की लकड़ी लाने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ियाँ नहीं थीं। तब महाराज ने भीम और अर्जुन से चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह सूखी लकड़ियों की व्यवस्था नहीं कर पाए। यह जानकर ब्राह्मण बहुत निराश हो गया। तब ब्राह्मण को निराश होते देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान है जहां आपको लकड़ियां मिल जाएंगी, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और बोले, कहाँ पर? तब भगवान ने अर्जुन और भीम को भी वेश बदलकर ब्राह्मण के साथ चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मण के वेश में थे, इसीलिए कर्ण उन्हें पहचान नहीं सका। ब्राह्मण ने जाकर कर्ण से भी लकड़ी की अपनी मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा, परंतु वहाँ भी सूखी लकड़ियाँ नहीं थीं। ऐसे में तो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा निराश हो गए और अर्जुन और भीम भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने चित परिचित मुस्कान लिए बैठ गए। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, मेरे पास एक उपाय है। और उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ियाँ चाहिए कृपया करके ले जाइए। कर्ण ने ब्राह्मण के घर लकड़ी पहुँचाने का प्रबंध भी कर दिया। कर्ण को आशीर्वाद देते हुए वह लौट पांडव भी श्री कृष्ण के साथ लौट आए। वापस आकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है, परंतु असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए सर्वस्व त्याग देने का नाम ही दान है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी की खिड़की दरवाजे तो आपके महल में भी थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण सबसे बड़े दानवीर हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।